बहन नहीं, सहेली समझकर मशवरा दे रही हूँ, बात सुन ले। बोल, तू भी बोल। देख, एक तो तू वैसे ही खूबसूरत है नहीं, ऊपर से मुंह लटका के घूम रही है, एकदम बांदरिया लग रही है। हाय, क्या करूँ मैं बबली, जब से बाबा जी गए हैं ना, मेरे सपने तो खाक में मिल गए। ओए होए, क्या तू भी जाना चाहती थी बाबा जी के साथ? शुभ शुभ बोल। हाँ हाँ, तू तो बड़ा शुभ शुभ बोल रही है ना हमारे लिए। बिल्लो, मुझे नीलम के इरादे सही नहीं लगते, लगता है वो लड़ लड़ा के आई है घर से। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। ओए बबली, तू इधर? सवेरे के नाश्ते के बाद किधर चली गई थी तू? मिस कर रही थी मुझे। ओए तुझे पता है मिल्खा साहब के वहाँ अच्छे अच्छे कपड़ों की ना प्रदर्शनी लगी। ओए तभी मैं कहूँ बिल्लो दीदी, वो मिल्खा साहब की लड़के इतनी अकड़ क्यों रही थी? ओ तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? सुन बिल्लो, मैंने कहीं नहीं जाना, तू लौट कर मुझे बता देना वहाँ पे कपड़े कैसे हैं। ठीक है, तेरी मर्जी। ओए वो रानी कितने है? बुट्टी पार्लर गई है। हाय हाय, मैंने भी बिट्टू पार्लर जाना है। हाय चौधरी, आपको बुट्टी पार्लर क्यों जाना है? इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? आ गई है ना वो नीलम दीदी, उसके मक्कारिया दी अदाकारिया ने आज चेहरे का रंग बदल देना है। हाँ, और इतनी मक्कारिया तो हमारे बबली में भी नहीं है। ओए, मेरा नाम क्यों ले रही है? अपने आप से झगड़े में मुझे मत डाल, दीवार की बसिंदी। परचाई, ये दीवार की बसिंदी क्यों होती है? छिपकली, छिपकली। अरे ओ बबली, रुकना, मैंने भी बिट्टू पार्लर जाना है, मुझे करते हुए जा। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल को ले गए चैन। क्या कहना है जान, हर वक्त अक्षय कुमार की तरह धमाकेदार एंट्री देते हो। अबे उसके पास तो एक ही हीरोइन है, मेरे पास तो हीरोइनों की लाइन लगती है, लाइन। अबे वो उस हीरोइन का एक लौता हीरो है और तू हीरोइनों के झुंड का स्पॉट बॉय। अबे तूने सुना नहीं क्या, एक मच्छर आदमी को इजड़ा बना देता है और एक पप्पू किसी भी लड़की को हीरोइन बना सकता है। लेकिन अपने को एक मुश्किल है। क्या हुआ जानी? फरमाओ। और अपना दोस्त है ना, उसकी कैटरीना से सेटिंग करानी। क्यों? वो सलमान है क्या? मामला बोल, क्या हुआ? अबे ढक्कन, बस समझ में नहीं आ रहा है कि कैटरीना से उसकी बात कैसे करूं? So simple, तू मुस्तफा भाई बन जाओ। तेरा मतलब मैं मुस्तफा भाई? हट। मेरा मतलब तारीफों के ओवरडोज पिला हर जगह। अबे चौधरी शेखर की तरह बात मत कर, समझा ना, किसी की समझ में नहीं आने वाली है। वैसे भी कैटरीना कैफ की बातें किसी की समझ में कहाँ आती हैं, उसे उसी के स्टाइल में समझाओ। तेरा मतलब कद में पूछो तो छोटे में, खड़े हो तो लंबे, और लंबे में खड़े हो तो छोटे, और रंग में पूछो तो गोरे में काले और काले में गोरे, और इसकी स्टाइल में पूछो तो आमिर खान का अक्षय कुमार और 3 इडियट्स का आमिर खान। ओए नारो नीलम, ओए वो मैं क्या, चुप हो जा नीलम, मत रो। ठीक, तू एक काम कर, जी भर के रो ले, मैं जब तक बैठक का एक चक्कर लगा के आता हूँ। जब तेरा मन भर जाए फिर तसल्ली से बैठ के बात कर। रो रो। अब रोने का क्या फायदा जब सुनने वाला ही कोई ना हो। बुआ, बुआ सुनना बुआ। अरे बुआ, हाय मैं मर गई। हाय हाय, ओए ये तो नीलम दीदी, पर इन्हें क्या हुआ? ओए तो छोड़, मैंने ना क्रिस्टी के 2 टिकट लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। चल चल चल, मूवी देखने चलते चल। अरे पर ये तो बेहोश है, तो की होया? मैंने तो सिर्फ 2 टिकट लिए, वैसे भी ये कौन सी देखने वाली है मूवी शूवी। ओए पर इन्हें हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, वैसे भी पिन्नों को सोफा की डस्टिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा उठाते हो, चल। शुक्र है हमें इनको सेटमेंट नहीं करना पड़ा। चल चलते यार, एड्रेस तो यही बताया था उसने। ये देखो, उम्र देखो, ते हरकतें देखो। तूने सीटी क्यों मारी? भूल गई क्या? लड़की को सीटी मारनी ही पड़ती है। ओए, तू है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई के दोस्त। नाम है पप्पू। पप्पू? कौन पप्पू? ओए पप्पू, और तू आ गया? अरे यार, तुझसे जरूरी बात करनी है। अरे पर ये है कौन और इथे क्यों आया है? ओए बिल्लो, अच्छा जी, समझ गई ना। चल जा यहाँ से, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। ओए यार, तू था किधर यार? ओए तू कब आया? अरे तेरे सामने तो हूँ। ओए तू मुझे बता देता ना, तो मैं खुद तुझसे मिलने चला आता। अभी अभी तेरी आइटम को समझा क्या? तुझे भी समझाओ क्या? ओए यार पप्पू, तू भी ना। अरे यार, आज मूड बड़ा खराब। ओए क्या हो गया? यार बड़े दिन हो गए कुबेर जी के दर्शन नहीं किए। ओए तो मंदिर तो सामने ही है, शिव जी भी विराजमान है, कुबेर जी भी है, और जा दर्शन कर ले। अबे ओ ढक्कन, मैं उस कुबेर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कुबेर जी की बात कर रहा हूँ। ओए ओए ओए, तू कोड वर्ड में बातें बहुत करता है। अरे एक मिनट रुक। ओए ले, रख ले। हाँ, क्या खुशबू है। ओए यार, वैसे मेरा एक काम कर दे, मुझे कटरीना, प्रियंका और करीना से मिलवा दे। अबे माँ के नाथ, मुझे याद है तू मेरे दिमाग का दही बना रहा है। तुझे अपने पैसे पे इतना ही गुरूर है, तो ले तेरे पैसे, रख। ओए नहीं नहीं, ओए तू रख। ओए तू सिर्फ इतना काम कर दे और उनको जाके बता दे कि स्मार्ट है, ओए हैंडसम है, ओए बॉडी शॉडी भी है, ओए सलमान खान की तरह। ओए हुड़ दबंग दबंग। ए बस बस, ज्यादा उड़ मत, जमीन पे रह, जमीन पे। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये चल रहा है बच्चा। हाय क्या ना बबली, वो ना बिल्लो दीदी के ना किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मैंने झूठे मक्कार फरेबी नहीं जुड़ी ऐसी नहीं। देख बबली, अगर ये बात घर में किसी को पता चली ना, तो इस घर से ना छुट्टी करनी है मैंने। ओए तू जानती नहीं है, जानती नहीं है तू। मैंने सब देख लिया अपनी बटन जैसी आंखों से, जब तू इस हसीन दुपट्टे को अपने फावड़े जैसे दांतों से पकड़ के फाड़ रही थी ना। तू तो गरीब होता है ना बबलू जी, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, और अरमान तो गरीबों की दुनिया ही होता है ना। बात तो तेरी सही है, पर ना ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं जैसे मैं अभी कहने वाली हूँ, जेन्युइन आंसू एक्सप्रेशन के साथ। देख मुझे, दिल तो गरीब होता है जी, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब हैं, और अरमान तो गरीब के दिल के पास भी होता है ना। ऐसा कहती हूँ। चल ठीक है ठीक है, जा, मैंने कुछ नहीं देखा, जा। अब भूल गई, भूल गई मैं सब, भूल गई, भूल गई, भूल गई मैं सब, 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 भूल गई। तो कितना नाचेगी, थका देगी मुझे तू। चल हो गया ना अपना, खुश? वेरी गुड। चल थैंक यू बोल मुझे। थैंक यू जी। फिर से बोलना, एक बार दिल से बोल थैंक यू। मेरे दिल को टच नहीं हुआ, थैंक यू। अरे मुझको टच मत कर, दिल से टच कर, दिल। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ हाँ, मजा मजा आ गया, मजा आ गया। चलो इसी खुशी के मौके पर जाया जाए। और मैं क्या कह रही थी, इसी खुशी के मौके पर एक और फाड़ दे। नहीं जी नहीं, रहने दो। फाड़ दे ये भी फाड़ दे। नहीं अरे फाड़ देना ये भी फाड़ दे। अरे कोई सुन लेगा धीरे। अरे कोई नहीं सुनेगा, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। भूल गई मैं सब भूल गई ओए भूल गई। 2013 की सदी में 1960 के हेरोइन बनने चली है ये बबली। पर जाई जी वो की बतावा और मेरी नंद है ना, अरे वो एक नंबर की पक्की एक्ट्रेस है। वो एक बार वो टीवी पे आ जाए ना तो टीवी की सारी सास बहुएं देवरानी जेठानियां और सबकी चुट्टी कर देगी। वो ऐसी है वो। ओए नीलम। ओए मेरा वीरा, ओए कैसा है तू? हाँ बड़ा चंगा लग रहा है। ओए नीलम और क्या बात, राजी नजर नहीं आ रहे? ओ मत कह उन्हें पाजी, वो घर छोड़ के आई हूँ मैं उनका। अरे बड़ा कलीजा चलता था मेरा वहाँ पर, वो देखना। और जब तक वो और उनका पूरा घर मुझसे मिलकर तो नहीं मानेगा ना, तब तक मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। हाँ उनकी बतावा कमल, बस ये जान ले बड़ा जुल्म करते थे वो मुझ पर। वो देखना रब का कहर बरसे उन पर। और मैं तो ये कहूँ कि तू कहर बनकर गिरना उन पर, गिन गिन के बदला लेना तू उनसे। हाँ ओए मैं गिन गिन के बदले लूंगा? हाँ ओ मारना 10 और कितना 1। ओ नीलम तो उसके तो 6 मुस्टंडे भाई हैं इतने बड़े। एक खैर कोई गल नहीं, कर लेंगे। और नहीं तो क्या, मेरा वीरा गबरू जवान जो है वो परचाई जी। ओ बस अब तैयारी कर लो, वो अपने कमल के लिए मेरी ननद के लिए रिश्ता मांगने जो जाना है। यही एक सबसे अच्छा हल है। तो चलाक लोमड़ी को कार पे और फिर दे ससुराल में मेरी कद्दूर। अरे नीलम तेरी नंद तो आहो पर जाई जी, अरे वो तो एक नंबर की बदतमीज बददिमाग और नासपिटी है वो। अरे उसी ने तो मेरा उस कार में जीना हराम करके रखा है। बस अब कमल ही ना उस पर लगाम डालेगा। और यही है नीलम का फैसला। ठीक है आप लोगों का यही फैसला है तो सोच लेते हैं इस बारे में। देख नीलम तू नाराज होकर इधर आके बैठ गई। ऐसे में अगर हम रिक्शा लेके जाएंगे तो वो बेइज्जत करके निकाल ना देंगे। और देख नीलम वो तुझे ससुराल नहीं जाना तो ना जा, और लेकिन तेरी दूसरी वाली बात मुझे पसंद है, वो शादी वाली। तो क्या शादी नहीं करनी है तुझे? हाँ नहीं शादी करनी है वो, लेकिन तेरी ननद से। अच्छा तो तू नहीं चाहता कि तेरी बहन ससुराल में सुखी रहे? हा? अरे मिट्टी पाओ ससुराल पे, ये तेरे भाई का घर है, तू यहाँ रह सकती है। भाई मेरे ख्याल से मनोरमा ठीक करे। आहो जी कुछ अरसे तक तो ठीक ही है। हाँ उसके बाद तो तेरा पति आ ही जाएगा मनाने। लो दसो भला, ओ जी मैं बीवी हूँ किसी की, वो एक घर की मालकिन भी हूँ और रहना तो मुझे वही है, और वो भी अक्कड़ से। हाँ बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता। 501 502 503 504 बहुत ज्यादा है, नहीं गिनने। पिन्नो ओए पिन्नो तू अकेले अकेले यहाँ पे क्या कर रही है? तबीयत तो ठीक है? क्या बताओ रानी क्या हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ तुझे? छुपाने वाली बात है तो मत बता। फिर ये बता मम्मी ने इमली कहाँ पे रखी है? पता नहीं। ओए पिन्नो बोलो। मैं नहीं जानती जी। बोलना पिन्नो। मैं नहीं जानती, मैं ही ढूंढ लेती हूँ। हाय पिन्नो भी ना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। 525 526 500। हाय किस काम में लगी हूँ मैं? बिल्लू जी। हाँ जी। और मैं क्या कह रही थी, और जिस रंग का ड्रेस आपने पहना है ना, वो आपको बड़ा ही सूट करता है जी। तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो रंग है ना, ये रंग बनाई आपके लिए जी। आहो जी, फिर ये रंग वंग नू छड्डो, तेनू नहीं पता मेरे प्राग कमल के ना सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। वो दीदी है ना, नीलम दीदी, एक नंबर की चालाक ते तेज औरत है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। बिल्लू जी, इस मामले में एक बात मैं भी कहूँ। वो आजा अंदर, आजा आजा, तेरी समस्या का समाधान भी है मेरे पास। आ ये देखो, चुप चुप कर सबकी बातें सुनने वाली पीनू। और बिल्लू जी, जब तक कि पीनू इस घर में है ना, तब तक किसी दूसरे को इस घर के खिलाफ साजिश करने की जरूरत ही नहीं। ओए, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तुसी ना मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जानता हूँ वे, और पीनू उस परवीना और कड़वी और नमकीना। पर मेरे कमल प्रादा की होवेगा? बिल्लो, इतनी उदास क्यों बैठी है तू? अब क्या बताओ बिल्लो दीदी, वो बबली है ना, आपकी इतनी तारीफ करती रहती है। अच्छा, क्या कहती है? वो कहती है कि बिल्लो की आंखें ना इतनी बड़ी बड़ी है। हाँ हाँ, बिल्कुल भैंस की तरह आंखें ना पूरे फाड़ के देखती है। अच्छा, और क्या कहती है? और कहती है आपकी जो गाल है ना, इसमें इन्नी दाग है, ऐसे लगता है जैसे चौधराइन और रानी ना दोनों ने मिलकर थप्पड़ मार मार के दाग की। और कुछ नाक है ना, उसके बारे में। ठीक है, बस कर। एक बात बताओ बिल्लो दीदी, वो एक औरत को ना मैंने दूसरी औरत की इतनी तारीफ करते हुए तो नहीं सुनी। नहीं सुना ना, तो जा और अपने कान साफ करके, और हाँ, मेरे लिए चाय भी लेते आना। जा भी। ये क्या चक्कर है? हाँ? मैं छोटे चौधरी के रूम से ये तुम चुरा रही थी? हाँ? नहीं, मैं क्या कह रही थी कि अपने छोटे चौधरी जो है वो सलमान खान की नकल करते हैं, और सलमान खान जो है वो खुद तो अंग्रेजी हीरो की नकल करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये तस्वीर गायब ही कर देते हैं ना, शायद छोटा चौधरी ठीक ही हो जाए। तुझे एक बात बताओ। हाँ? वो जो बिल्लो दीदी है ना, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही थी। अच्छा? हाँ, कह रही थी चार गांव में ना तुम्हारी जैसी औरत नहीं है, ऐसा लगता है कि खुट्टे से भैंस को बांधा। ऐसे तुम्हारी सेहत की ना बड़ी तारीफें करती रहती है। अच्छा, वाह जी वाह, बड़ी तारीफें करती है मेरी आजकल। खुद तो बड़ी खूबसूरत है ना, मिलने दे उससे। मैंने सब पता लग गया है। हैं जी? आहो जी। और मेरा कहने का मतलब है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी। बबली, तू फाइट सीन में ना आइटम सॉन्ग ना डाल। हाँ। आप ना मुझे ये बताओ, आप अपने आप को समझती क्या है? चालाक। ना जी ना, वो तो इस घर में सिर्फ एक ही है, पीनो। तो आप कुछ और समझो जी। बुद्धू, नालायक, बेवकूफ सब मैं हूँ, जो मैंने तुझ जैसी को अपना दोस्त समझा। यही तो। क्या? हाँ, यही तो मेरा मतलब है कि दोस्त दुश्मन। आप मुझ जैसी औरत को कुछ भी समझ सकती हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर मुझे परेशानी है। तूने ऐसा क्यों बोला था कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, भैंस जैसी, और मेरे गाल पे ऐसी लाली है जैसे परजाई जी और रानी ने थप्पड़ मार मार के थप्पड़ मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऐसा तूने क्यों बोला था? मैं क्या जी, आपको तो डाकू विक्रांत हाथ नहीं लगा सकता, कोई और क्या लगाएगा? हाय, डाकू विक्रांत। बबली, तूने उसका नाम लेकर ना मेरे दिल पर बिजली गिरा दी है। हाय डाकू विक्रांत, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे आपको पता है, बड़ा ही जालिम डाकू है वो, बड़े डाके मारे हैं उसने। हाँ हाय, यहाँ तो वो बिल्लो लाने के दिल पर डाका डालकर ना पता नहीं कहाँ गायब हो गया है जालिम। हाय डाकू विक्रांत। ले भाई बबलू, हो गया तेरा काम। एक तरफ बिल्लो ते दूसरी तरफ कमल चौधरी ते बीच में मैं ते सामने पिन्नो। दिल टूटे बेवकूफो, पिटे मुंह तुम्हारा। हाय डाकू विक्रांत। ओए छड़ दे उसका पीछा। क्या? कमल, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? ऊपर जाइए। और मुझे क्या लग रहा है कि मेरी जो मर्जी थी ना, और कि मेरी बीवी रौबदार हो और लंबी ऊंची हो और बड़ा दिल हो उसका, और लेकिन ये सारे अरमान मेरे दिल में ही रह जाने हैं। और ये जो नीलम की ननद है ना, है 4 फीट की, कोई लगती मुझे सैंडी जैसी है। अरे पर आपको कौन कह रहा है कि आप उसकी ननद के बारे में सोचो? आप उसको रहने दो उसके घर पे। आप ना एक काम करो, कुछ दिनों के लिए ना कहीं बाहर चले जाओ। ओए मैं कहाँ बाहर चला जाऊं? अरे समझा करो आप, जब यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे ना, हम आपको वापस बुला लेंगे। ओए ठीक है। ओए मैं कल सवेरे सवेरे ही चला जाता हूँ। हाँ और परजाई जी, तुसी की कहते हो? जब बिल्लो कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, मान लो उसकी बात। और तो फिर सवेर का प्रोग्राम पक्का।